बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है. मतलब यू हैव नो आइडिया, हम लोग अभी 3-4 दिन में जाने वाले हैं. एंड यू नो ही नो हाउ स्ट्रांग आई एम मेंटली एज वेल. दैट गेम इज ऑल अबाउट मेंटल स्टेबिलिटी एंड मेंटल स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ कितना है यू नो. मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहती हूँ, मैं नीचे नहीं देख पाती. ओह गॉड. Today on Spot Boy, we once again have your favorite Nikki Tamboli to talk about her new journey of Khatron Ke Khiladi 11. Nikki, since a long time, the rumors were on ki aap Khatron Ke Khiladi 11 kar rahi hain. Aur finally, hame pata chal gaya ki wo rumors nahi thi, wo sachchai thi. So, kitna mushkil tha logon se chupana, khud ko control karna ki iske baare mein baat na ki jaye. बहुत बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था. माय फैंस वर वेटिंग फॉर इट एक्चुअली, यू नो, मोर देन एनीथिंग. एंड इवन माय मॉम, माय डैड, दे वर लाइक कि बता दे इतना क्या छुपा रही है, बता दे. मैंने कहा नो नो, जस्ट रुको, थोड़ा देर, थोड़ी देर के बाद बताती हूँ. आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, सो आई वाज जस्ट कीपिंग इट विद माय सेल्फ. वैसे निक्की बताइए कि मतलब मुश्किल था ये डिसीजन लेना कि खतरों के खिलाड़ी करूँ या नहीं करूँ जब अपॉर्चुनिटी आई आपके पास. जब अपॉर्चुनिटी आई, आई वॉज थिंकिंग ऑब्वियसली, क्योंकि यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट दैट इजी जो दिखता है. ऑब्वियसली दिखता भी इतना इजी नहीं है, बट मैंने सबसे पहले मेरे भाई को पूछा था, एंड ही वॉज लाइक यू हैव टू डू इट नो मैटर वॉट, तुम्हें करना है वो. तो मैंने कहा चल ठीक है, तो लाइक दैट इट हैपेंड. Okay, it was your brother's wish to do this reality show, but unfortunately, he's not keeping well. So, उनसे बहुत ज्यादा तो आप डिस्कस नहीं कर पा रही होंगी जाने से पहले, तो क्या कुछ मिस कर रही है? शायद अगर वो ठीक होते तो कॉन्वर्सेशन ज्यादा हो पाती, सजेशंस और गाइडेंस ज्यादा मिल पाती. See, he believes कि मैं जो भी करूंगी अच्छा करूंगी. एंड यू नो भाई को तो मतलब कहीं ना कहीं अपने लोगों को तो एक विश्वास होता है ना कि शी इज गोना डू परफेक्ट, एब्सोल्युटली फाइन. एंड यू नो ही नो हाउ स्ट्रांग आई एम मेंटली एज वेल, बट not that keeping good emotionally, emotions wise, kyunki obviously he is not well and he is in the hospital, but theek hai, I have to move ahead in life, you know. Main nahi baith sakti aise, being sad and all wo sab leke nahi baith sakti, because if I won't go, if I won't do, he will be upset. Once he is back home, he will be upset ki tu kyun nahi gayi, you know. So, कितना बर्डन रहने वाला है निकी, क्योंकि एक तो वो जर्नी इतनी आसान नहीं है, वहां पे ऑलरेडी इतने सारे खतरे मोड़ लेने हैं, इतने इमोशंस के साथ डील करना है, उसके साथ एक बैगेज ऑलरेडी है कि घर में बहुत टेंशन है, तो उसके साथ ये जर्नी कितनी मुश्किल होगी निकी के लिए. बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है. मतलब यू हैव नो आइडिया, हम लोग अभी 3-4 दिन में जाने वाले हैं. एंड आई एम जस्ट वरीड अबाउट फॉर माई ब्रदर, क्योंकि coordinating from there here, I have my people, like meri manager hai, and I have my few friends who will be in touch with my family, but of course a daughter is a daughter, you know. Main zyada contact mein nahi reh sakti usse, kyunki kafi hectic schedule bhi hone wala hai, but you know I have to focus on stunts, kyunki as I said it was my brother's dream as well ki you have to do it, and if I don't go, if I don't do it, he'll be upset. So I'm just sacrificing all my things and I'm just going for it. I'm sure ये जर्नी काफी अच्छी होगी आपके लिए. निकी, क्या कुछ तैयारी चल रही है, क्या कुछ प्रैक्टिस की गई है इतने सारे खतरों को? क्या करूँ यार, मतलब प्रैक्टिस क्या होता है वहां पे, क्या होता है, कीड़े मकोड़ों के साथ खेलना होता है. हम थोड़ी यहाँ पे लेके आ सकते हैं और खेल सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं. वी कांट डू दैट, यू नो. वहां पे एक्सपर्ट्स होते हैं, वहां पे सब लोग होते हैं, एंड यू नो यू कैन जस्ट बी फिट. यू कैन डू कि तुम लोग वर्कआउट करो, फिट हो, यू कैन जस्ट डू दैट. रेस्ट यू कैन नॉट डू, यू नो. और कभी कभी इतने जो एक्सपर्ट होते हैं, फिटनेस फ्रीक होते हैं, वो भी उनका उनको भी डर लगता है, यू नो, बिकॉज दैट गेम इज ऑल अबाउट मेंटल स्टेबिलिटी एंड मेंटल स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ कितना है, यू नो, आप कितने फोकस्ड हो, आपके मतलब हाँ आप कितने फोकस्ड हो, आप कितना वो झेल पाते हो, कितना ले पाते हो. यू शुडंट बी अफ्रेड ऑफ दैट. इट्स ऑल अबाउट मेंटल गेम, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज. आई एम नॉट एट ऑल ट्रेंड, आई एम नॉट अ ट्रेंड स्विमर, आई एम नॉट अ ट्रेंड ड्राइवर.
I don't know how to drive a car, but I'm just doing it to overcome my fear. मैं ये सब चीजों से डरती हूँ. मुझे गाड़ी चलाने में डर लगता है, स्विमिंग करने में डर लगता है. Okay. I'm just doing it to overcome my fear, and I'm gonna enjoy it, you know. निकी आपने कहा कि ऑलरेडी ड्राइविंग को लेके काफी कॉन्फिडेंट नहीं है आप, स्विमिंग आपको बहुत अच्छे से आती नहीं है, हाइट्स का क्या हिसाब है, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर वो इतनी ऊंचाई पर ले जाते हैं. बहुत, मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहती हूँ, मैं नीचे नहीं देख पाती. ओह गॉड, पीपल आर गोना गो मैड की मतलब निकी आप इतने डरते हो. बट क्या पता, यू नेवर नो. सी ऐसा भी हो सकता है, अभी मैं डर रही हूँ, क्या पता वहाँ पे इतने लोग तुम्हें एनकरेज करने को होते हैं. रोहित शेट्टी सर है जो आपको इतना मोटिवेट करते, इतना आपको वो सामना करने का हिम्मत देते हैं, और उसके बाद आपके प्रोटेक्शन जो भी इतने लोग होते हैं, यू नो, आप या मतलब अकेले इंसान नहीं हो जो ऐसे जाते हैं, मतलब काफी सारे सुपरवाइजर्स होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, यू नो, गाइडेंस से आप जाते हैं. तो यू नेवर नो, वहां पे आपका पता नहीं अचानक से अगर दिमाग काम करना चालू हुआ, एंड you can just do and go for it, you know, you can just complete it. So you never know, kuch bhi ho sakta. Okay, other than that, we know that Rahul and Abhinav from your Big Boss season is already there, so it will be like a reunion of Big Boss 14 also over there. Yeah, so kahin se wo confidence ki chalo do log to hain jinke sath maine time spend kiya hua hai. Nahi, you know, I always believe ki obviously I am more than happy ki Big Boss ke ex contestants bhi hai with me. I am happy ki main zyada comfortable rahungi, but agar nahi hote phir bhi I would love to make new friends and know new people, kyunki aap jitna naye logon ko jante ho utna aap kuch na kuch knowledge gain karte ho. Har kisi ke paas kuch na kuch alag different knowledge hota hai, so I am looking forward to meet everyone and enjoy. But any specific name which has popped up, which you have come to know that he or she is also traveling there, and you are really very excited to meet him or her, or create a friendship bond? See, अभी पता तो है कौन कौन जा रहा है. Obviously, I know everyone who all are going, but I'm वैसे कुछ ये नहीं है, particular नहीं है. Like I have heard Arjun, so I'm just looking forward कि कब हम जाते हैं, कब we share our good bond, and you know, yeah, I'm very excited to enjoy. Okay, क्या कुछ सर्च करने की सर्च किया आपने, केप टाउन जाना है आप लोगों को, तो डिड यू ट्राई टू सर्च की क्या कुछ है? एक्चुअली आई वांट टू डू लॉट ऑफ शॉपिंग, बट टाइम भी मिलना चाहिए क्योंकि हमारा शेड्यूल बहुत हेक्टिक होने वाला है. सो आई डोंट नो आर वी गोना गेट टाइम और या. वैसे रोहित शेट्टी इज अ वेरी एंटरटेनिंग होस्ट, बट एट द सेम टाइम ही ऑल्सो गेट्स यू नो वेरी अग्रेसिव व्हेन समबडी डिनाइज डूइंग द स्टंट और गिविंग अप. बेसिकली ही वांट्स टू पुश ऑल द कंटेस्टेंट्स टू गो फॉर इट. एक्जेक्टली, जैसे मैंने पहले ही बोला था. या हाँ, सो डर लग रहा है कि अगर नहीं करना हुआ तो उनको कैसे, मतलब उनको कैसे हैंडल करेंगी आप? See, honestly, I'm very excited to see Rohit sir as well because I've been a huge fan of him, and also I love the way he does stunts or unki movies and all maine dekhe hai. I'm not trained in all these things, but the way he motivates and the way he encourage aur jis tarah se wo set lagate hai, it itself gives you that kick, karna hai kuch to, you know. And in spite of that, when you don't do it, obviously hurt तो होगा, you will feel bad, इतना नुकसान होगा. तो I'm not someone who मतलब जो जितना मुझे लोगों ने जाना है और देखा है बिग बॉस में, I'm not someone who easily gives up, you know, until and unless मेरा बहुत emotional breakdown हुआ है or something. I'm someone like that जो like जितना भी मुश्किल है मुझे करना है, तो I always give a try. So I'm also looking forward कि जितना भी कुछ भी मुश्किल है होगा, even I'm not the winner, I'll try everything, you know. Even if I don't win, I'll try everything because that's what I was being saying. I have to overcome my fear. So, uske liye I have to give a try, no matter how difficult the stunts are. Yeah. Okay. Lastly, what are you expecting through your fans for this show? I want my fans to support me a lot because the stunts, they aren't easy at all. Jo dikhta hai, waisa bilkul nahi hota.
और फॉर मी ऑल्सो इट्स गोना बी वेरी वेरी टफ बिकॉज ऑफ माई फैमिली एज वेल. मेंटल स्टेबिलिटी भी ज्यादा नहीं है, कोविड हो गया था तो इतनी फिजिकल भी नहीं, फिजिकली ये भी नहीं हूँ मैं, फिट भी नहीं हूँ. बट आई जस्ट होप एवरीथिंग गोज फाइन एंड माई गॉड एंड माई फैंस आर देयर बिहाइंड मी एंड आई जस्ट होप आई गिव द बेस्ट व्हाटएवर आई डू एंड या होपिंग फॉर द बेस्ट दैट्स इट. कोविड से आप अभी रिकवर हुई हैं, आपने सही कहा कि यू नो अभी रिकवरी कम्प्लीटली हुई नहीं है, तो क्या कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस, एक्स्ट्रा ईटिंग हैबिट्स या चीजों को इंक्लूड किया है अपने डाइट में टू यू नो गेट दैट फिटनेस बैक या वो गेट दैट एनर्जी बैक? या आई एम ऑन अ वेरी हेल्दी डाइट, लॉट ऑफ प्रोटीन एंड ऑल, नो जंक फूड. सो लेट्स सी कितना रिकवर हुई कितना नहीं हुई है तो मैदान पे जाके पता चलेगा. वैसे रुबीना योर फ्रेंड इज ऑल्सो टेस्टेड पॉजिटिव, शी इज ऑल्सो क्वारंटीन. आपने एक इंटरव्यू में बताया था कि यू नो हाउ शी टुक केयर ऑफ यू व्हाइल शी व्हाइल यू वर गोइंग थ्रू इट. या हाउ आर यू कोपिंग अप विद हर? सी आई एम इन टच विद हर रेगुलरली बट मोर देन माई सेल्फ. शी इज कीपिंग एन आई ऑन मी अबाउट माई ब्रदर एंड अभिनव इज इन कॉन्स्टेंट टच विथ मी कि हाउ इज योर ब्रदर डूइंग. अभिनव जैसे ही बॉम्बे आया था ही जस्ट कॉल्ड मी कि ही जस्ट लैंडेड इन मुंबई, हाउ आर यू डूइंग एंड दैट्स सो स्वीट ऑफ हिम. यू नो दे आर कीपिंग अ चेक ऑन मी एंड आई फील रियली ग्रेटफुल एंड आई जस्ट वॉन्ट रुबीना टू रिकवर एज सून एज पॉसिबल, यू नो. Okay. All the very best, Nikki. Have a amazing journey this time. Just like thank you.